और अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। तो बैकफुट पर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आरएमसी रजिस्ट्रार। आपको बता दें कि डॉक्टर्स डे पर प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यक्रम रद्द किया गया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरफ से 1 जुलाई को यह कार्यक्रम होना था। बड़े स्तर पर डॉक्टर्स का इस कार्यक्रम में सम्मान किया जाता है, लेकिन काउंसिल की आज हुई बैठक में कार्यक्रम को निरस्त करने की बात कही गई। दरअसल आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर एसएस रणावत हैं इन दिनों चर्चा में। एसएमएस की लाइफलाइन की गड़बड़ियों में उनका नाम सामने आया था, जिस तरीके से आग लगी थी वहां पर। ऐसे में करप्शन को लेकर 2 डॉक्टर्स का नाम सामने आया था, जिसमें रणावत का भी नाम है। और ऐसे में किसी अन्य विवाद से बचने के लिए कार्यक्रम को रद्द किया गया, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि आरएमसी रजिस्ट्रार ने कुछ और कार्डों का हवाला दिया इस कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम के पीछे रद्द होने की एक्चुअल वजह सिर्फ वही करप्शन का मामला, लाइफलाइन वाला ही मामला? सुषमा देखिए, हर साल का एक बड़ा आयोजन होता है डॉक्टर डे पर, जो राजस्थान से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, आरएमसी से रजिस्टर्ड जो डॉक्टर हैं, उनमें से बेहतर कार्य करने वाले 11 श्रेणियों के अंदर तकरीबन 150 से अधिक डॉक्टरों को सम्मानित किया जाता है। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जो की राज्य भर से, प्रदेश भर से डॉक्टर जो है इस कार्यक्रम में आते हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम की हम बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी करीबन 1 महीने पहले, पूरा इसका खाका तैयार किया गया था। और उसमें आरएमसी रजिस्ट्रार की तरफ से सभी से आवेदन मांगे गए थे। पूरे राजस्थान से करीब 150 से आसपास डॉक्टरों के आवेदन भी आए हैं इस सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। लेकिन उन सबके लिए बड़ा झटका ये हुआ कि ये पूरा कार्यक्रम जो है उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि इसके लिए अपरिहार्य कारण जो है इस कार्यक्रम रद्द होने की बताया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने जो बात सामने आ रही वो यही है कि जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर एसएस राणावत, वो अभी इन दिनों काफी जी। अब विकास ये जानना चाहेंगे कि अब जब ये कार्यक्रम रद्द हुआ है तो दोबारा इसकी क्या तारीख हो सकती है, क्या इस बाबत कोई जानकारी, कब ये कार्यक्रम होगा? देखिए, ये जो कार्यक्रम है राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है डॉक्टर्स डे पर ही आयोजित किया जाता है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई के दिन ये बड़ा आयोजन राजधानी में आयोजित किया जाता है, जो अभी निरस्त कर दिया गया है। और इसके पीछे का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि अप्रिया कारण। लेकिन जो अंदरखाने बात सामने आ रही है वो यही है कि जो एसएमएस अस्पताल में लाइफलाइन में जो गड़बड़ियां हुई थी, उसमें आरएमसी रजिस्ट्रार जो है एसएस रणावत है, उनका नाम सामने आया था। उसके बाद से लगातार सरकार पर भी इस तरह का मामला बनाया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई की जाए। इस बीच ये कार्यक्रम जो आयोजित होगा और उसमें किसी भी तरह का विवाद सामने आ सकता है, इसी के चलते ये पूरा जो आयोजन है उसको रद्द किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और चलिए।